तो अस्सलाम गाइस, तो आज की वीडियो में हम इंडिया की एंड में देखने वाले हैं। हां जी, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बैठे बच्चे लाइक मांगी ले ये लेक्चर की वीडियो, और ये माय लेक्चर की वीडियो होने वाली है इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन की। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हम एक नया लेक्चर आज ले आए हैं, तो अब जी आपने अस्सलाम वालेकुम, चलिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, जी हमारा आज की जो टाइटल है वो जी टॉप 5 फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की। इंडिया आपको पता है इतना बड़ा तो है, अभी तक हम देख रहे हैं। अब हमारे हम चाहते हैं कि हम सारा इंडिया कवर करें, तो हम ट्रेन कामरे का देखते हैं कि फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, फिर हम इसको कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, तो इब्राहिम स्टार्ट करें बेटे। चले स्टार्ट करते हैं, चले तो देखते हैं गाइस कि हम किसको फर्स्ट कहते हैं और किसको सेकंड कहते हैं, किसको कहेंगे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चले और यदि कि हमें कौन सी चीज अच्छी लगी उससे मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट सबसे पहले करिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा गाइस। मत तो ऐसे ऐड सब्सक्राइबर 2001 में जल्दी से आप 2001 में करें। लोग देखते हैं ना लेकिन सब्सक्राइब नहीं, 80% लोग हमें देखते हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया। अगर करे तो हमारे सब्सक्राइबर कहां तक पहुंच जाएंगे गाइस। 80% लोग सब्सक्राइब करते हैं गाइस, सब्सक्राइब भी क्या ही हो जाता है, तो गाइस बिल्कुल फ्री होता है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज रेल नेटवर्क में से एक है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों ट्रेनें चलती हैं, जिनमें लाखों यात्री सफर करते हैं। भारतीय रेल ट्रेनों की गति बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। हालांकि भारत सरकार ने निकट भविष्य में सेमी हाई स्पीड ट्रेन और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल देश में ऐसी कई ट्रेनें हैं जो काफी तेज गति से चल रही हैं। क्या आप जानते हैं कि वो सबसे तेज गति वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों आज हम सब भारत की इसी 5 सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन के बारे में जानेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस, यह एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 98 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। यह ट्रेन राजधानी दिल्ली को दूसरे शहरों से जोड़ती है। सोलह कोचों की यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित चेयर कार है, जिसमें यात्रियों को वाईफाई सेवा भी मिलती है। इस ट्रेन में मेट्रो ट्रेन की तरह स्वचालित दरवाजे होते हैं और इंजन भी दोनों तरफ होते हैं। यात्रियों को इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में खाना भी मिलता है, जिसकी कीमत उनके टिकट के किराए में पहले से ही शामिल होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में भारत की सबसे तेज यात्री ट्रेन है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की क्षमता रखती है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी 2 रूट पर ही चल रही है, नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन होते हुए वाराणसी जंक्शन तक जाती है। नई दिल्ली कटरा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अंबाला कैंट जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, जम्मू तवी होते हुए कटरा पहुंचती है। गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस से पहले गतिमान एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी में से एक है।
इसे 5 अप्रैल 2016 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगरा छावनी के बीच चलाया गया था। हालांकि बाद में साल 2018 में इसे झांसी रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया। गतिमान एक्सप्रेस में LHP कोच है, जिसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में बनाया गया। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया गया। यह रेलगाड़ी एक तरफ जाने में 188 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 100 मिनट में तय करती है। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। नई दिल्ली भोपाल हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली एक ट्रेन है, जो नई दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रेलवे स्टेशन हबीबगंज के बीच संचालित होती है। हालांकि नवंबर 2021 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापती रेलवे स्टेशन में बदल दिया गया। 2016 में गतिमान एक्सप्रेस के शुरुआत होने तक यह ट्रेन लंबे समय तक भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बनी रही। नई दिल्ली आगरा रेलवे खंड के बीच 150 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के साथ भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस हॉल्ट सहित 84 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यह ट्रेन नई दिल्ली से मथुरा जंक्शन, आगरा छावनी, ग्वालियर, झांसी होकर हबीबगंज, भोपाल तक पहुंचने में 8 घंटा 25 मिनट समय लेती है। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय रेल नेटवर्क में सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ट्रेनों में से एक है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद इसे दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता मिलती है। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। इसका उद्घाटन 17 मई 1972 को हुआ था। यह अपनी शानदार गति और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए लोकप्रिय है। यह नई दिल्ली से मुंबई तक कुल 1384 किलोमीटर की दूरी केवल 15 घंटा 50 मिनट में तय करता है। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में केवल 6 मध्यवर्ती स्टॉप हैं, जो इसे मुंबई से सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा होकर न्यू दिल्ली की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन बनाती है। भारतीय रेलवे ने 19 जुलाई 2021 को मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को मुंबई नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बदल दिया। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भारतीय रेलवे में सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ट्रेनें हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलने वाली एक और ट्रेन है नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस 12033 अप और 12034 डाउन। यह ट्रेन भी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है, जो नई दिल्ली से कानपुर तक 440 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ये दोनों ट्रेनें एक साथ भारत में चौथी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। भारत में सबसे प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक है हावड़ा राजधानी, जो नई दिल्ली को हावड़ा, कोलकाता से जोड़ती है। इसका उद्घाटन 3 मार्च 1969 को किया गया था। यह ट्रेन देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन थी। यह देश की पहली वाईफाई सक्षम राजधानी ट्रेन है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 88 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। यह अपनी यात्रा के दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक चलती है। रेल प्रेमी इस ट्रेन को प्यार से दक्किन कहते हैं। 135 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलने वाली एक और ट्रेन है बीकानेर नई दिल्ली सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 12,259 अप और 12,260 डाउन।
यह ट्रेन भी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है। ये दोनों ट्रेनें भारत में पांचवा सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। दोस्तों, आप इनमें से किस तेज गति वाले ट्रेन में सफर का आनंद लिए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और हमारी चैनल द राइज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो अच्छा जी इब्राहिम, तो गाइस मुझे तो इसकी ट्रेनें बहुत अच्छी लगी। गाइस हमारे पाकिस्तान में जो है ना, वो तो तब की ट्रेन चली जाओगी तो नहीं ना, मैंने तो कभी ट्रेन में बैठा नहीं, लेकिन ना तब की चली जाइए। इंडिया के पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान को जाना ना, तब की चली जाइए। हमारी ना पर ओरिजिनल ट्रेन और मेट्रो है हमारे यहाँ पर, जिसमें हम जा सकते हैं। और हमने और हमारी भी खैर भी करते रहेंगे गाइस। मुझे तो और बंदे भारत को देख के ना अपनी ना ऑनलाइन ट्रेन और ना मेट्रो याद आ गई। अच्छा ये क्या ये ना, मैं हम जब छोटे थे ना बेटा, आपने तो ज्यादा ट्रेन का सफर नहीं अभी हमें आपको, लेकिन हम छोटे थे ना तो हमारे तो सारे, मेरे जितना नानक का है ना वो सारा पेशावर था, तो हम तो ट्रेन का, आपसे भी छोटे छोटे थे हम ट्रेन भी जाते थे उस टाइम, तो बाकी बसेस या और नहीं था सिस्टम ना, बड़ा ट्रेन का सफर किया और इतना बैठे रहते थे। ये बसेस तो अब ऐसा नहीं, अब तो तहजब अच्छा हो गया, लेकिन ट्रेन में भी जा सकते हैं पहले से बहुत बेहतर हो गया, लेकिन इसके लेवल पे भी नहीं हुआ। नहीं हाँ जी, इसका तो इंतजार ही है, इंतजार ही है। किया वो ट्रेन का? हाँ किया हुआ से ज्यादा, कोई बहुत मजेदार नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। अजीब सी इधर स्मूथ होती है, पता नहीं चलना चाहिए, मतलब हमारी सफर किया नहीं और ज्यादा रिसर्च भी नहीं की भी। मैंने इतना जरूर सुना है ना कि कुछ ट्रेन ने हमारी भी बेहतर नहीं होशे कुछ नहीं, बेहतर नहीं है लेकिन थोड़ी बेहतर जी, लेकिन ये लेवल सही बात है, ये लेवल नहीं है, लेवल नहीं है भी, वो कंडीशनें अच्छी हुई हैं। अच्छा जब जब हम कंपेयर करते हैं ना, जब जब कंपेयर करते हैं तो इनके देख के खुशी होती है और अपने देख के फिर वो हो जाता है कि यही चक्कर है ना बेटे, ये गाना कहते कोई ना जी ना पाकिस्तान भी तो कर सकती है जी। और गाय लोगों को पता है जो हमारी ट्रेन होती है ना, उसमें से ना मैंने बस एक दफा सफर किया है, वो और मेट्रो की ओरिजिनल ट्रेन है जो जो यही पे रहते होंगे ना, उन्होंने मतलब उनको पता होगा जी लाहौर में, वो पता होगा उसकी हालत ना फिर भी थोड़ी बेहतर है। ये जो बंदे भारत है ना, इनकी ये ऐसी है मेरे फर्स्ट में तो वंदे भारत है और बाकी सेकंड का मुझे भूल गई कौन सी बेहतर है, राजधानी बोलती है जितना मैंने अक्सर देखा है, तो मेरे फर्स्ट में जी जी मुझे, लेकिन ये भी बड़ी तेज है। तो गाइस मेरे फर्स्ट में वंदे भारत और सेकंड में राजधानी है बस, वंदे भारत का हमारे यहाँ पे इतना वो गवर्नमेंट इतना हमारे करना चाहिए, जरूर करना चाहिए गवर्नमेंट को भी,
चले जी वो भी थक गया आपको हमारे लिए अच्छा लगा होगा जी और गाइस आपको पता है मुझे इनकी ट्रेन बहुत अच्छी लगी और ना इनकी ट्रेन थोड़ी बहुत ओल्ड है लेकिन वो भी ना इन्होंने पता है क्या कहा इन्होंने मेरे 90s की ट्रेन दिखाई है और फिर ये बाद में हाल 2021 में भी दिखाई है लेकिन 1939 में उसके बाद 2021 में तो 2021 की अच्छी लगेगी जीतों की बहुत मुझे अच्छी लगी बहुत ऑसम लगी और बस और आई होप यू ऑल अच्छी लगी होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू एंड टेक केयर लव यू आई लव